हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुपद की बेहतर तरीके से हो गई होगी। अगर तैयारी कंप्लीट है तो अभी हमारा टेस्ट, अभी आप लोग इसका टेस्ट देंगे। 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर शीट मिलेगा। पहले आंसर शीट बिल्कुल मत देखिएगा, टेस्ट का मज़ा किरकिरा हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी जब हम इस पेज को हटाएंगे आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। पहले क्वेश्चन देखने से पहले सोचें, इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जब क्वेश्चन आप लोग का सोल्व हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है। चेक कीजिएगा कि क्वेश्चन कितना सही हुआ। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले कई साल में 2016 17 18 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन है, एक आध अलग से है। सारा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए और तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना प्राप्त हुआ है, आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। हम आपकी कमेंट बॉक्स में लिखे रिप्लाई का हम वेट करेंगे। जो आप रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो आप लिखे रहेंगे अपना नंबर, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, उसका हम वेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ बी के शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन चारों देख रहे हैं, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, बी बाई ए। दूसरा वहीं पे सामने आपके है, यदि शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने है, सोल्व कर लेना है, उत्तर लिखना है। अंदाजिए लिखिएगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा नंबर, 4x² - 3 के शून्यक है, बताना है आपको कि इसमें कौन कौन शून्यक है। इसके त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द्विघात बहुपद x² - x - 2 में 1 α + 1 β का मान क्या होगा। देखिए, इसमें अल्फा और बीटा जो है ये इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक जो इसके होंगे, एक शून्यक हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्यक बीटा मान लेंगे। को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, द्विघात बहुपद x² - x - 2 के शून्यक यदि अल्फा तथा बीटा हो तो इसमें 1 α + 1 β का मान क्या होगा। लेकिन हमने वैसे नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा है कि द्विघात बहुपद x² - x - 2 में 1 α + 1 β का मान क्या होगा। छठा क्वेश्चन है, 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात करें। इसके शून्यक आपके ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक सेलेक्ट कीजिएगा, सबसे पहले सोल्व करना होगा। सातवां क्वेश्चन, x² - 1/x बताना है किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि बहुपद नहीं है कि त्रिघात है। देखिए, अगर अगर नहीं पढ़े होंगे चैप्टर ठीक से तो डिस्क्रिप्शन में हम जो लिंक दे रहे हैं उसमें आपका पहला जो चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएँ और दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, दोनों का लिंक हम दे देंगे एक ही लिंक में। दोनों प्लेलिस्ट में शामिल है, एक ही प्लेलिस्ट में दोनों चैप्टर शामिल है। सबसे पहले आप जा कर के इस टेस्ट के लिए पहला चैप्टर पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे चैप्टर का टेस्ट देने के लिए, मतलब इस चैप्टर का टेस्ट जो आप दे रहे हैं इसके लिए इसका अध्ययन करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर नहीं पढ़े होंगे पूरी तरह से तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और जा कर के पूरे अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तब टेस्ट में शामिल हों। आठ नंबर देख रहे हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। नौ नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px = x³ - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम ईजी है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बहुत ईजी है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कौन ऑप्शन नहीं है। एक बार आपको क्वेश्चन पेपर हम ऐसे भी दिखा देते हैं जो सीधी हो। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है चेक करने के बाद।
अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्र के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका बेहतर हो और अधिक से अधिक हम लोग के चैनल के साथ जुड़ सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में जब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, उसका बेसिक बताएंगे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।